वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। मेरी बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी पुरानी ख्वाहिश कि बुशरा अंसारी कहीं ऐसी जगह मुझे मिले जिनसे मैं सैर हासिल बातचीत कर सकूँ, और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मगर क्योंकि ये नहीं पूरी हो पाई और आज पूरी हो रही है। और मुझे लगा कि जितने भी जिंदगी के सानहात हैं जिनसे मैं गुजरा और यहाँ तक मैं पहुँचा जिंदा हालत में आप लोगों के सामने, उसमें ये ख्वाहिश भी शामिल थी कि बुशरा से कभी मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि बुशरा के पास टाइम नहीं होता। आपको पता है बुशरा अंसारी के बारे में, ये तो बात आप सब जानते हैं कि एक समंदर है टैलेंट का, एक शख्सियत जो न सिर्फ लिखना जानती हो, लिखाई भी करती हैं, जहाँ न सिर्फ एक बहुत बड़ी लिखारी हो, राइटर हो, उसके साथ एक्टर हो, और फिर कंपेयरिंग, और फिर दुनिया में पाकिस्तान की एम्बेसडरशिप, और बड़ा इनका बहुत एक लंबा नहीं छोटा सा एक करियर है जिसमें भी 15-20 साल शुरू हो, करियर की बात नहीं, लेकिन जिस तवाना तरीके से बुशरा आपने अपने करियर को मुस्तकिल कमाल तरीके से चलाया है, व्हाट ड्राइव्स यू रियली, कि क्या वजह है कि माशाल्लाह एक रमक है ज़िंदगी की जो आपने कभी आपसे हिली नहीं। आई थिंक एक चीज़ होती है ज़िंदगी में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में, इवन फॉर द हाउस वाइफ जो घर में होती हैं, फोकस, फोकस टूवर्ड्स योर लाइफ, योर वर्क, योर फैमिली, एवरीथिंग, प्रायोरिटीज़। तो जब आप शुरू होते तो आपको इतनी अक्ल थोड़ी होती कि मैं बड़ा कोई फोकस हूँ या मैं तो कोई बड़ी, मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर... नहीं, ये एक आपकी नेचर होती है, फिर आप उसके ऊपर कुछ काम भी करते हैं। ओवर द ईयर्स आपको पता चल जाता है कि अब आपसे गलती हुई तो क्या खो जाएगा, वो सब चीज़ें फैमिली में, बच्चों के साथ, उनके ब्रॉटअप के साथ, अपनी ज़ात के हवाले से। मसलन हमारे कई दोस्त हैं, हमारी सहेलियाँ दोस्त हैं जो कि अपने आप को छोड़ देते, मोटी हो जाती, मोटे तो बाल सफ़ेद छोड़ दिए, कौन वो, और बात है वो खूबसूरत हैं दोनों, मरीना ने बहुत यंग एज में बाल छोड़े, या शहनाज ने, वो तो हसीन इतनी प्यारी लगती है, मैं तो जहर लगती है अगर मेरे बाल सफ़ेद होते तो मैं कभी ना छोड़ूँ। किस किस्म का माहौल था, माँ बाप के बारे में बताएं, किस किस्म के माँ बाप थे, सख्ती थी, खुलापन, और अपने बारे में बताएं कि आप क्या थी, किस बुशरा का नाम नॉर्मली रखते हैं बच्चे के लिए, बेटा तीसरी, ये अफसोस तो था ना आपको, अब बेटा नहीं हुआ, नहीं मैं नहीं, आया मेरा भाई, भाई आया हुमायूं, बुशरा के बाद आया, आया, ये टोटका चलता जी, है, उस वक्त तुक्का चल जाता था, अब नहीं चलता। अच्छा, तो बुशरा कैसा लगता है कि बुशरा नाम इसी रखा गया कि बेटा? नहीं, एक्चुअली ये नाम बुशरा जो है वो जब मैं तीसरी बेटी पैदा हुई तो जाहिर एक इंतजार होता है बेटे का, तो वो नहीं हुआ तो मेरी अम्मी बड़ी बेचारी हुई कि बेटा, तो इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा, उसके बाद अल्लाह मियां ने इज्जत रख ली कि वो आ गया हुमायूं बशीर, 5 साल बाद आया लेकिन आ गया, फिर अस्मा आ गई तो फिर वो चुप हो गए, लेकिन मुझे अभी भी चलता है, अभी भी चलता है, लेकिन पहले 6-7 बच्चे जो पैदा करेगा आप जो भाई, तो ये कि आपके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं होगा इसका मतलब मां-बाप का? नहीं, मैं बताने क्या लगी हूँ, बचपन में जब मैंने देखा, मुझे थोड़ी सी जब सेंस आई, तो जो दो बड़ी बहनें थी वो 4 साल और 6 साल ऊपर थी, उसके बाद 5 साल तक मैं अकेला बच्चा थी, और 5 साल बाद हुमायूं आया, और उसके 1 साल बाद अस्माई, वो दोनों बच्चों का सेट था, वो बड़ी बच्चियों का सेट था, मैं थी रेलू कट्टा। दूसरे, मैं मज़े की बात बताती हूँ जो कि बड़े हैरान कुन है, सारे चिट्टे गोरे थे और मैं सिर्फ थी सांवली, तो मैं कहती थी अब्बा ने प्यार कर करके मुझे सांवला कर दिया। मैंने एक दो दफ़ा अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलके कहानी घड़ी, कहानियाँ गढ़ने की आदत बचपन से ना, तो मैंने इसको कहा, अम्मी ने कहीं डांटा लगाया थप्पड़, मैंने कहा देखो ये तो इतनी गोरी चिट्टी कश्मीरी औरत है। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि बचपन में ही आपने ये अदाएं शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ, कहानी बना ली ना। तो पढ़ाई लिखाई की तो कोई तवज्जो नहीं? नहीं, पढ़ाई लिखाई थी, हाँ, मगर एवरेज एवरेज। प्राइमरी स्कूल में क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कराची में थी, एक स्कूल था जब पैदा मैं कराची में हुई थी, तो वो था उधर सोसाइटी में, उसको कहते थे एक स्कूल था, मुझे कोई स्कूल, PHS PCHS में कोई जो पहाड़ी के ऊपर था कुछ, वो जो अब शायद लायंस एरिया बन गया है, वो उस वक्त स्कूलिंग कहाँ, आप कहाँ? अच्छा, फिर हम लाहौर चले गए, ठीक है, फिर मैं और सबा क्लास 3 में भी इकट्ठे थे, सबा, हाँ, सबा हमीद और मैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब मैं थी कोई मेरे ख्याल 10 साल की या ऐसे, हाँ, तो मैंने देखा टीवी पे बच्चे गाने गा रहे थे, वो जो सुहेल राणा साहब के होते थे, उससे पहले खलील अहमद साहब के, बिल्कुल खलील, मैंने अपनी अम्मी का पीछा लिया, मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें जाना है। अब वो मुझे ले गई एक दिन, क्योंकि वो जानती थी खलील अहमद साहब को, बड़े बहुत बड़े कंपोजर थे, तो उन्होंने मुझे, मसला नहीं था आप जैसे नहीं, लोगों नहीं, के लिए, मतलब नहीं, तो मैंने ताल्लुकात आपके वालिद की वजह से थे, नहीं, अब्बा नहीं ले गए, अम्मी ले गई, तो अम्मी बेचारी तो ने कहा चलो भाई इसने मेरा सर खाया है। अब जब खलील अंकल के पास हम गए तो वहाँ बच्चे तो बैठे थे, तो मैंने जाके तो मैं दिए सुनी गजल छेड़ दी,
अरे गाना बचपन से गा रही है। सब गा रहे हैं, सब गाते, भाई भी गाता है गाना। नहीं, माँ गा रही थी, अम्मी की आवाज़ अच्छी थी और अब्बा को शौक था। अब्बा को शौक, अब्बा नहीं गाते थे, अब्बा की आवाज़ नहीं थी ना। तो ये सारा जो गाऊ बाऊ पता है ये सब अम्मा की तरफ से, दोनों अब्बा, अम्मा की तरफ से आया ना अम्मा आवाज़। ये जो हमारा माशरा है इसमें अदाकारों को गाने वालों को कहीं उन नज़रों से नहीं, उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि मेरे वालिद अहमद बशीर जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े लिबरल आदमी थे और फिल्म पढ़ के आए थे हॉलीवुड से, आके फिल्म बनाई थी, वो आर्ट को गलत नहीं समझते थे, पर हमें सख्ती से मना था, हम ना गाना सीख सकते थे। कितनी अजीब बात, बड़ी मुनाफिकत थी उनमें। नहीं, वो कहते थे मैं बाहर के लोगों में रिस्पेक्ट की वजह से ना, ये जो आपने बात की ना उसकी वजह से मारवाड़ी पिटी अम्मी ने लगाई। अम्मी ने मारा? हाँ हाँ, मारा, मारती थी, अठन्नी चुराई, खौफ खाती थी। हाँ, दो चार दफा पैसे चुराए थे। चुराए थे? हाँ। तुम चोर भी थी? हाँ, आठ अन्ने दो दफा चुराए थे और फिर अब्बा कहते थे तू जाके मेरी बोझे चो क्यों नहीं कर लेते, तू क्यों जुतियाँ खाने जा, मुठ्ठा भर के कर ले। क्योंकि तुम्हारी जो जिस तरह की तुम्हारी चुलबुली सी नेचर है बुशरा, वो मेरे अब्बा की तरफ से, उनकी सारी फैमिली, वो खुद बड़े सीरियस थे वैसे, उनके जितने कजन हैं आप उनके पास बैठ जाएं तो आपका पेट फटने वाला हो जाएगा, क्या मुनव्वर ज़रीफ़ क्या होगा। बचपन से एकदम टीनेज, टीनेज से शादी यही हुआ? मैं तो अब कहती हूँ कि ठीक है, 20 ईयर्स में शादी हो जाती थी उस वक्त, अब लगता है 20 साल का बच्चा बहुत छोटा होता जाती होगी। हाँ, लेकिन फिर नहीं, उस वक्त तो नहीं लग रहा होगा। नहीं नहीं, उस वक्त बारी आ गई थी, बीए का इम्तिहान हो रहा था तो शादी हो जानी थी। अच्छा, तो शादी से क्या पहले क्या मुलाकात थी? मुलाकात थी, मैं उसमें आती थी ना कलिया में, हैगा सरगम वाले उस जमाने में तो जिस किस्म का माहौल था नहीं अलाउड था ना, बस कहते थे बच्चों के प्रोग्राम में 5 बजे के बाद घर। अब तो मी टू मूवमेंट आ गई है बुशरा, तुम्हारे जमाने में तो कुछ नहीं ऐसा था, हरकतें तुम्हारे साथ तो नहीं हुई ना। देखो बता दो भाई क्या है आजकल, तो देखो जी, और आगे है। देखो जी, मैं किसी का नाम नहीं ले, लेकिन जिंदगी में सबको चुटकी भरी गई है ना भाई। उस जमाने में क्या करते थे, कुछ चुटकी भरी के चुप कर जाते थे और क्या। माँ बाप को भी नहीं बताते थे? माँ बाप को नहीं बताया? मसलन मैं बस में स्कूल जाती थी ना, लाहौर में मेरा स्कूल था गणेशाओं के पास, और मैं बस में बैठी हुई होती थी। अच्छा, मैं बच्ची थी छोटी सी, जो भी आठवीं छठी पता नहीं सातवीं क्लास में थी। अब ये मैं बैठी हुई, मेरे यूनिफॉर्म यहाँ तक का है, और चेयरिंग क्रॉस पे बस रुकी है, और जिस वक्त बस चलने लगी है तो पता नहीं किसने और क्यों इतनी ज़ोर से यहाँ रूलर मारा कि मैं यूँ होगी और बस चली गई, और मैं आगे से यूँ रो रही हूँ, और खुदा जाने किसको क्या मजा आया होगा, आई डोंट नो। मुड़ के देख भी नहीं सकी, सैडिस्टिक लोग हैं ये सारे। देख, मैं मुड़ के नहीं देख सकी कि कौन था। अच्छा, इस तरह एक दफ़ा हुआ कि मैं बस स्टॉप से घर आ रही थी, और तकरीबन अच्छा भला कोई 2-1 मील का फासला था, और दोपहर से पंजाबी में कहते हैं शिकर दोपहर, पीछे से कोई साइकिल वाला आया, उसने आके तो मुझे यहाँ पे पकड़ के और हिला दिया, क्योंकि वो साइकिल चला रहा था और उसने मुझे कहीं पकड़ा। खुदा जाने साजिद मुझे क्या हुआ कि मैं एक बिल्कुल सुकड़ी बच्ची थी, मैं उसके पीछे भागी और मैंने उसकी साइकिल का कैरियर यूं 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 करके उसको गिरा दिया। मैं पागल हो गई एकदम से। 20 साल बाद उसने कहा मैंने पूछा चाली को छेड़ा था। उसको पता भी नहीं होगा, साइकिल की उसको पता भी नहीं होगा। आप तो उस दौर के हैं कि जिस जमाने में दरवाजे बहुत ज्यादा बंद हुआ करते थे पीटीवी के, और बहुत कम लोग अंदर जाया के जाया जा सकते। मेरे पीछे पीछे तो टीवी की गाड़ियां चलती थी, ये मेरे तो पीछे इजाजत लेने को मेरी अम्मी से डांट खाते थे। शादी का क्या खुद नहीं, फिर क्या हुआ था कि जब मैं कलिया में काम कर रही थी तो मैं, मुझे प्लेस की ऑफर्स होती थी, तो मैं कहती थी नहीं मुझे इजाज़त नहीं है, तो इकबाल अंसारी साहब ने मेरी अम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा सॉरी हम ड्रामों में काम नहीं करने देते, बस ये बच्चों के प्रोग्राम तक ही काफ़ी है। शुरू से कंजर्वेटिव उनके हालात? कंजर्वेटिव नहीं कह सकते, मुझे लगता है वो दे बीन एक्स्ट्रा केयरफुल, और आई थिंक वो ठीक भी था एक ज़माने में। बकौल मेरे वालिद के कि मेरी 4 सोनियाँ तियाँ ने, तो मैं किस तरह उन्होंने भेजा तो फिर लोग की तंग करन। तो खैर वो ही ऑफर्ड मी, इकबाल साहब मुझे उन्होंने ऑफर किया अंसारी साहब ने, तो मैंने कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा अच्छा एक ड्रामा एक एपिसोड हम करते हैं। आपकी मुलाकात कहीं हो गई थी? नहीं नहीं, वहाँ उसी एक टेलीविजन स्टेशन में हम घूमते थे ना इकट्ठे ही। नहीं तो कहीं तो पता चल गया होगा कि शादी करना चाह रहा है या आप करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आई वाज एंगेज्ड कहीं और। नहीं, तो धोखा दिया? नहीं नहीं, एक आदमी को तो धोखा दिया। सुनो ना, अच्छा सुनो, मेरे खालाजाद भाई से मेरी मंगनी हुई थी। ओके। मैंने सारे टीवी स्टेशन में शोर मचाया था, मेरे कजन ने मुझे ये भेजा, वो कतर में था, मैं कहा अल्लाह उसने मुझे ये चॉकलेटें भेजी, उसने मुझे फलानी चीज भेजी, इसने भेजी। उसके बाद वो फॉर सम रीजन मंगनी टूट गई। ठीक है, अच्छा वो टूट गई, तो अब मैंने आके कहा कि मेरी मंगनी तो टूट गई, तो इकबाल साहब ने कहा मुझे शादी करनी है। मैंने कहा अरे ये क्या मतलब, हीरो? हाँ नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि यू आर द सूटेबल गर्ल, तो वो मेरे अब्बा के घर ही आ गए मिलने। That's how it happened. तो 3 महीने में शादी हो गई। अब आप क्या मशवरा देंगी लड़कियों को कि वो किस एज में शादी करें? पहले तो बहुत जल्दी कर दिया करते थे, 14, 16, 17, 18, 20 साल की एज में।
अब आप क्या समझते हैं? मशवरा कोई बच्चा सुनता है आजकल? फिर भी अब देते तो है ना, हम भी नहीं, नहीं, हमारे वालदैन देते थे, हम भी देंगे। नहीं देखो बात ये कि हमारे अभी दोस्ते हैं, हमारी यंगर दोस्तें भी हैं, एक पूरी लॉट है हमारी, बड़ी क्रिएटिव प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। वो हो गई मैच्योर, अब उनको आ गई समझ, या तो आप ना समझिए में शादी कर ले फिर आप चला लेते हैं। जब आपको समझ आती है दो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तब, ओह माय गॉड यस। और जब अगर आपको समझ आ गई कि अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, तो फिर आप अपना आप ये समझ कितना कब आई आपको कि नहीं नहीं अब नहीं, ये भी बता ही दें। अब वो क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे, बड़ी वाली आठवीं में पढ़ती थी, छोटी वाली चौथी में। क्या लगता है क्या एक ब्रेक पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है कि जहां आप कहते हैं कि यार ये इट इज नॉट व्हाट आई। देखो पता है सीरियसली तीसरे महीने में लगा कि बहुत डिफिकल्टीज है, लेकिन फिर ये होता है कि आपने ये तो नहीं सोचा होगा एकदम तोड़ने का, आगे चलता रहा इतना अरसा ये वो। और ऐसा भी नहीं था कि हमारे घर में कोई हुक्म था कि बेटे वहाँ से तुम्हारा जनाजा है, नहीं 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 नहीं। और ये भी सबका कहना होता है कि देखो वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है, और हो भी जाती हैं चीज़ें सेटल। फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ही इज़ अ गुड फादर और शी इज़ अ गुड मदर, ये वाला जो एक कम्फर्ट है ये हर जगह नहीं हुआ, इसको बार बार तोड़े तोड़ सकते आप, मुश्किल होता है। फिर आपने चीज़ें सजा ली होती हैं, अपना घर बना लिया होता है, फिर आप उसमें अपनी सोल डाल देते हैं। कहाँ ये आपको लगा बिल्कुल पक्का कि ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा? हर साल लगता था, कभी लगता था अच्छा अब ये बड़ी वाली ए लेवल्स कर लेगी। अग्रीनेस तो नहीं आई इसमें? आई कई दफ़ा आई, बहुत आई। मारपीट तो नहीं? नहीं 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 मारपीट नहीं, नहीं हम तो बहुत सिविलाइज तरीके से, मतलब प्रॉब्लम्स थे। और पहले तो मैं सिविलाइज बच्चों के ऊपर तो नहीं पड़ा, नहीं चीख पुकार मैं नहीं करती थी ना, उन्होंने कभी की, हम वाइल्ड वाली टाइप नहीं थे। बस ये कि मैं कुछ लिख के दे देती थी कि ये बात यूँ है तकिए के नीचे से, बाद में फिर मैसेजिंग आ गई तो आसानी हो गई। बड़ा काम भी किया आपने एक दूसरे के साथ, ये भी है फिर दोनों एक क्रिएटिव फील्ड में हैं। नहीं वी वर टुगेदर, वी वर अ गुड क्रिएटिव टीम, हमने बहुत अच्छा अच्छा काम इकट्ठे भी किया, और वो अपने हैसियत में एक बहुत टैलेंटेड और हुनरमंद आदमी थे। कितना अर्सा पहले ये तकरीबन आप समझें कि अलग हो गया, अजनबियत आ गई? बार बार कोशिश तो हुई मगर तकरीबन 15 साल से काफ़ी कट ऑफ रहा सिलसिला। तो किसका ज़्यादा गलती समझते हैं? ये नहीं कह सकते हम साजिद, नहीं दोनों, ये बड़ी अजीब बात होती है जब लोग कहते हैं ना हाय फलानी जोड़ी बड़ी प्यारी थी, फलाने का कसूर होगा, ये नहीं कह सकते आप, ये बड़ी एक अजीब कॉम्प्लेक्स। दोनों के कसूर था, मतलब कसूर या जुर्म? जुर्म किसी का गुड थिंग आई थिंक, डिफरेंस जो दो लोगों का होता है ना, पहले तो वो अट्रैक्ट करता है, हाय ये कितना मुख्तलिफ है कितना अच्छा है, बाद में बहुत सी चीज़ें आपको जो डिफरेंट लग रही होती हैं वो इरिटेट करने लग जाती हैं। तो इस दौरान जो सॉलेस है या जो ज़िंदगी की कुछ जीने का जो हौसला है वो किस चीज़ ने दिया? काम ने, और आप जैसे दोस्तों ने, और सबके प्यार ने, और फिर बच्चों। ये सच्ची बात है ना? हाँ काम से आदमी बनता है। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ अभी भी मुझे कई दफ़ा जैसे मेरी बेटी कहती है अम्मा इतना काम लग कर लिया अब कुछ अर्से ना भी करें, मैंने कहा क्या मतलब है, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ नाउ, मुझे आदत है इस तरह रहने की। मैं सुने आप बहुत पैसे के मामलों में भी बहुत तेज हैं। नहीं पैसों के पैसे तो खुद ही आते हैं अल्लाह के फजल से, वो तो आते हैं मगर तेज हैं। आपने जमा किए अपने पैसे, बच्चों के साथ एंजॉय किए, आपने शोज किए, मैं अपनी तारीफ नहीं करती बट आई एम अ डिसिप्लिन्ड स्पेंडर, मुझे ये पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास पैसे? अगर मेरे पास 200 रुपए थे मुझे 100 उड़ाने चाहिए थे, 100 छुपाने चाहिए। ऐसा है अभी तक है, छुपाती हैं आप? मतलब करना चाहिए सेव, सेव करना, सेव करना बिल्कुल। पाकिस्तानी कौम के बारे में लोग कहते हैं हम सेव नहीं करते, नहीं नहीं सेव तो हमें तो करना चाहिए, बाहर के लोग सेव नहीं करते क्योंकि उनके तो इतना कमाएंगे तो सब सेव करेंगे। बात ये है कि देखें आप अभी भी, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारा एक मेकअप आर्टिस्ट है, ये पूरी बात सुनना मेरी, एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसकी शायद 35-40 हज़ार तनख्वाह है, किसी चैनल में काम करता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। उसको मैं पूछती हूँ बेटे तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो? कहता है आपा फर्स्ट क्लास, 35-40 हज़ार तनख्वाह है आपा, बेहतरीन। तो मैंने कहा कि अच्छा तो बच्चे कितने? कहता है एक बेटा है। तो मैंने कहा ठीक गुजारा हो रहा है आजकल हालात ऐसे? कहता आपा हम चार भाई साथ साथ रहते हैं, अल्लाह का इतना शुक्र है हमें इतना इत्तफाक है, हम लोग आपस में एक दूसरे के मसले भी देख लेते हैं, तो वो कौन से करोड़ कमाते हो? मेरा मतलब ये यहाँ है अकल। अब महंगाई है, जब हम बच्चे थे तब भी लोग कहते थे महंगाई है, अब हमारे अम्मी हमारी नानी छोटी थी तब भी लोग कहते थे महंगाई है, महंगाई हमेशा होती है, और अब तो खैर तूफान ही है महंगाई का, बट यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि आपको कोई, लेकिन माशाल्लाह कोई कंट्रोवर्सी नहीं, आपने इतने टूर्स किए, इतने बड़े बड़े आपने कारनामे किए, सुपर डुपर हिट रही हैं, कोई पता नहीं अल्लाह जाने क्या कह रहे हैं। नहीं ये वे ना आप कैसे कैसे आपने कैरेक्टर्स के, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसके साथ साथ आप एक तरफ एक बिजनेस की तरफ भी ध्यान दिया, आप बिजनेस है ये। ये मैंने नहीं दिया, मैं भी कोई क्रेडिट नहीं लेती हूँ,
देखें कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी होती हैं वो आपको पता होती हैं। मैं एक आम सी मिडिल क्लास के एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट घराने से थी जो बस में स्कूल कॉलेज जाती थी ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज हमारे अब्बा बहुत रियलिस्टिक थे। उन्होंने कहा बेटा वो खड़ी है बस, वो फलाने दा स्कूल होते थे फलाने दा होते। अब्बा एक ज़माने में डीजी थे स्टेट फिल्म अथॉरिटी के, और उन्होंने कहा था हम आपको फर्निश घर एसी वाला देंगे। कब की बात है, 40-42 साल पहले जब हम स्कूल कॉलेज में। उन्होंने कहा नहीं 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 एसी ना लगाना, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो आपने बिगाड़े अपने बच्चे के? नहीं बिगाड़े, बहुत बिगाड़े। उल्टा तुमने अपने बाप का तो बात सुनी नहीं, अब मुझे सुना रही है पूरी कौम को। शर्म कर तू यार, तू हमें ये कहानी है ना अब्बा की तो बढ़ाई है। हाँ। अब बच्चों को तो तूने ये जो मुझे याद है मीरा एक ड्रामे में कर रहा था, ये तो घर में खाना ही नहीं खाती थी। नहीं, और ये जो जिसका अब आप छोड़ चुकी हैं वो पीछे घूम रहा होता था उसके, वो भी मैंने देखा। आपने बड़ा पैम्पर किया अपने बच्चों। हाँ, दो दो बच्चे हो तो फिर ऐसे ही होता है। जिनके 5-6 होते वो कहते हैं खाना रखा है खाना है, खाओ नहीं तो चलो उठो यहाँ से। मुईन अख्तर साहब मरहूम हमारे तो दोस्त थे ही, दुनिया को बताओ कि वो किस किस्म के दोस्त थे तुम्हारे लिए। देखिए वो आर्टिस्ट तो जैसे थे वैसे तो कोई सच मुझ नो रिप्लेसमेंट, उसे मिमिक मिमिक नहीं मैं नो रिप्लेसमेंट नहीं, इवन ही वाज अ वेरी फाइन कंपेयर। जब वो स्टेज पे लोगों को हैंडल करता था ना तो मैं देखती थी ज़रा सा काम चोरी नहीं वो करता था। मसलन कभी कभी कोई ऑडियंस ठंडी भी होती है ना बोरिंग, तो बंदा कहता है अब ये आप और सुनाइए, अच्छा फिर फलाना आता है, मैं कहती थी ये तो हंसते ही नहीं है ना, ये ताली बजा रहे हैं, ये तो बर्फ़ की सिले हैं। मगर मोइन ने अपना पूरा ताकत लगा के उनके साथ लगा होता था, चाहे आगे से ठंडे बैठे हुए हो सब। सिगरेट तो पीछे था, लेकिन एज अ पर्सन बहुत सिंपल सा आदमी था। कोई उसके अंदर बनता था वो बड़ा इंटेलेक्चुअल, कोई नहीं था इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट आदमी था। और उसकी सबसे अच्छी बात थी कि वो लोगों की बहुत हेल्प। यू वांट टू क्लोज विद ईच अदर? एक्चुअली उस तरह नहीं थे, आना जाना नहीं था घर में, बिकॉज ही वॉज नॉट सोशल। वो हम लोगों के घरों में आता ही नहीं था, ना हमें बुलाता था, दूसरे वो रात भर जाता था। आदमी था वो। हाँ, वो एक अजीब सा, उसके अंदर एक अजीब सी मिस्ट्री थी। वो सिर्फ स्टेज पे जिंदा होता था और एक आप उसको उसको ऐसे ब्लूम करते हुए देखते थे। आम लाइफ में वो बिल्कुल आम लाइफ में बिल्कुल एक आम रेटिसेंट, ज्यादा मजाक भी नहीं। हाँ, थोड़ा करता था लेकिन ऐसे फोन पे मस्ती करता था। देयर इज समथिंग सैड अबाउट मुईन भाई। मैं क्योंकि लास्ट उनके दिनों में मैंने उनको आई हैड द ऑनर ऑफ डायरेक्टिंग हिम राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर हिम, उनको ये था कि वो जल्दी उनकी मौत हो जाएगी, उनके पास टाइम कम है, ये था ऐसा। ये तो खैर नहीं कोई कह सकता, लेकिन उसने अपनी कोई केयर नहीं की, मुझे इस पर बड़ा अफसोस है। मगर उसको शुगर थी, उसको एस्मा था, उसको हार्ट इनलाज था, उसको ब्लड प्रेशर भी था, उसको पता नहीं, हाँ पता नहीं क्या क्या 4-5 चीज़ें थी। लेकिन वो इतने 1 किलो गोलियां खाता था, दवाइयां नींद की इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या, रात को सही रात सारी रात जागता था तो दिन को उल्टा पड़ा हुआ था। वो दूसरे सड़क से जा रहा होगा तो उसने कहीं छाबड़ी वाले से भी गंदे छोले लेके भी खा लेने हैं। अपने ऑपरेशन के अगले दिन ही उठ के वो हैदराबाद के स्टेज पे चला गया, पेट पकड़ा हुआ था, यहाँ से कटा हुआ था। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, वो और बात है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है। वो इतने सांस थे, वो तो ना भी कुछ बीमार हो तो वो भी चला जाता है दुनिया से। ये फिर तीसरा इसका कंपोनेंट था अनवर मकसूद, ज़ाहिर है अनवर भाई एक जायंट ऑफ अ मैन। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर भाई के साथ कैसी रिलेशनशिप? बहुत, मैं तो कहती हूँ जो भी मैंने कॉमिक काम किया शुरू में, तो मैं बहुत, मुझे प्यारी सी मेमोरी फारूक कैसर साहब के साथ। ये अपने वो जो कार्टूनिस्ट की बात करें ना, अंकल हैगा की बात, अंकल सरगम फारूक कैसर साहब, अभी मेरे साथ उनको सितारे इम्तियाज मिला है। वो उनकी एक अलग तरह की कॉमेडी थी, उन्होंने मुझे पपेट मैनिपुलेशन सिखाई, फिर आवाज़ें निकालनी, फिर पपेट्स की आवाज़ों में गाना, तो वो एक फ़न था और पता नहीं था कि मैं क्या सीख रही हूँ। उसके बाद कराची जब मैं आई हूँ तो फिर अनवर साहब की जो कॉमेडी मुझे वो सूट करती थी, उसमें कोई छिछोरपना नहीं था, एक क्लास थी, एक फिनिश था। कहीं ना कहीं अपने जुमले भी थे आपके उसमें? नहीं, उनके, सारा का सारा उनके काम में मैंने इतना दखल नहीं दी थी, नहीं, कभी कभी छोटा मोटा ऐड कर लेती थी। अच्छा, लेकिन ज़्यादा तो उनका ही था। लेकिन कितना आपने, कितने से काम किया एक दूसरे के साथ? किया काफ़ी, बीच में बल्कि काफ़ी ऐसे नहीं भी किया, जैसे स्टूडियो 2:30 वगैरह में मैं नहीं थी, मैं इस्लामाबाद में थी, वो यहाँ होता था, फिर पता नहीं 2:45 था तो तब कुछ मेरे बच्चों के एग्जाम्स थे, बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे भी छोड़ी। हमने टूर्स बहुत किए एक दूसरे के साथ। हाँ, हमने टूर्स किए बाहर के। वैसे अभी भी मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, लोगों को समझते मैंने बहुत काम किया। मैं 25% काम कर सकी, क्यों कि मैं बेटियों के साथ उनके स्कूल, उनकी ट्यूशन, उनकी ड्राइविंग, उनका पकाना, सब कुछ मैंने खुद किया। किस किस्म के आदमी हैं लोग? कौन? अनवर साहब? अनवर साहब एक बड़े मिस्टीरियस से आदमी। मिस्टीरियस वो, ये कि मुईन अख्तर भी मिस्टीरियस, ये भी मिस्टीरियस। ये लोग अच्छा दिन को वो अजीब से होते हैं, बाजी नहीं करते, बोरियत के हद तक है ना, बुत टाइप की शख्सियत। शाम को 8 बजे के बाद जरा था मूड अच्छा होता है, म्यूजिक सुनते हैं वो भी थोड़ा बहुत। वो भी कोई बहुत ज्यादा
लोगों में मिलने वाले नहीं है नहीं। और हाँ स्टेज पे आते हैं तो वो भी तो फिर टूर पे आप लोग जाते थे तो क्या ये आप ही निकलती थी बाहर? तो कमरे से ही नहीं निकलते थे। क्या बात कर रहे हो आप, पूछे किसी से भी। अनवर साहब के साथ मैंने तो कम टूर किए लेकिन मुइन का भी कहना है, अवल तो मुइन भी शाम को सो के उठता था तो उसने खे जाना, ना उसको कोई मेसी से शॉपिंग करने का शौक है, ना इन्होंने साइट सीइंग करनी होती है। बुशरा निकली हुई है। मैं तो जाती थी हॉलीवुड में, उधर फिर तो इधर फिर तो शॉपिंग कर, तो मुझे तो बाहर की दुनिया देखने का शौक है। मैं तो बच्चों को लेके बीच पे जा तो अभी भी आप कोरोना में फंस गई थी बाहर? हाँ वो तो मेरा कनाडा इज माई सेकेंड होम बिकॉज मैं परमानेंट रेजिडेंट भी हूँ। ड्रामा कहाँ चला गया? क्या मुझे मुझे जूता मारने के लिए ढूंढ रही है? नहीं तौबा करें, मैंने कभी किसी को जूता मारा नहीं ऐसे नहीं। ड्रामा में तो बड़ा अच्छा ये हालात हो गए वाकई। हाँ मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं उनको इतना बाउंड कर दिया गया है, इतनी सारी उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं कि ये एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करें, फिर ये कास्ट हो वो कास्ट ना हो, इसकी ये रेटिंग आए उसकी वो, तो रेटिंग के चक्कर में तो फिर 17,000 ड्रामे बनते हैं एक मशहूर। हाँ, लेकिन रेटिंग का जो खौफ है ना, रेटिंग कहाँ से आएगी? आ तो रही नहीं है फिर भी लोग कह रहे आई जाए चलो सब कुछ करने के बाद फिर भी नहीं आ रही। जो रेटिंग देता है डायरेक्टर चाहे वो कूड़ा ड्रामा हो वो डायरेक्टर कामयाब है। पीटीवी के दौर में और अब में आप देख रहे हैं कि पीटीवी कहाँ और उस ज़माने में एक चैनल और अब इतने सारे चैनल, उनके सबके साथ काम, आप किस तरह देख रही हैं? काम अच्छा हो रहा है? देखिए पीटीवी जनरेट हुआ था रेडियो से, रेडियो हुआ था लिटरेचर से, ठीक है। देवर सर्टन पीपल जो कि वहाँ से आए, उन्होंने लिखा मंटो कहानी, ये वो पूरा था ना, और वो क्या आगा नासिर साहब, फजल कमाल साहब और बड़े बड़े लोग, और रेडियो पर कौन कौन था? हफीज़ जालंधरी, इब्ने इंशा, अहमद फराज और बहुत सारे और लोग, नून मीम राशिद और पता नहीं कितने मुझे नाम इस वक्त, मुशफिक ख्वाजा, बुखारी साहब, मेरे अब्बा भी वहीं थे। सो वो लोग एक और दुनिया के लोग थे। वहाँ से आया पीटीवी का ड्रामा, फिर कहीं तालीम रोक दी, ये मना कर दिया गया कि तालीम याफ्ता लोग ना आए? ना आए, क्योंकि बाद में आया कोटा सिस्टम। अभी पिछले दिन मैं पीटीवी गई, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मुझे लगा जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। ड्रामा अब जिस तरह से चल रहा है इस वक्त, इसमें अब आपने चुड़ैल देखा? अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहा कैसे देखते वो, कैसे बड़ा आसान है क्या, कितने पैसे देने हैं? मैं दे, मुझे 75 रुपए देने हैं। अच्छा नहीं देखा अभी, मगर उन्होंने काफी सेंसेस के हवाले से बहुत एडल्ट थीम्स है। हां मैंने सुना, इट इज अ वेरी वेल डायरेक्टेड, वेल प्रोड्यूस्ड, हमारी सारी बड़ी कमाल की एक्ट्रेसेस हैं उसमें जो मैंने उनकी। तो इस किस्म का अब ये काम आ गया है, आप करेंगे? नहीं काम तो मुझे ज़रूर करना है इस तरह का, क्या आई मीन ये तो फिर बड़ी आज़ादी जिसमें है बात कहने की, बट आई थिंक देयर इज सम लिमिट फॉर माई सेल्फ। क्या लिमिट है वो? कुछ मुझे मैंने देखा नहीं, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैंने और जो चीज़ें देखी हैं दूसरी इंडिया की भी वेब सीरीज देखी हैं और इसको देखा नहीं तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती, बट कुछ चीज़ें इसमें मैंने सुना है कि थोड़ी बोल्ड हैं। हर रियलिस्टिक चीज़ को कह देने के दो तरीके हैं, मगर मुझे लगता है बहुत सी बिटर चीज़ें हैं जिनको आप स्वीट अंदाज में भी कह सकते हैं, मैं कन्विंस नहीं होती बहुत सारी। तो आप कहते रहे 70 साल से, मुश्तकिल एक जैसा हो गया है बिठा बिठा के कोई मूवमेंट के बगैर, कितने साल तक आप काम करना चाहती ये भी बता दें। मैं नहीं भाई, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि 99% जो ड्रामे आप देखते हैं दो लोग बैठे नहीं, 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 वो तो मैं उसको ये तो है, यही तो कर दिया आपने ड्रामे को। मैं उसकी बात नहीं करी, मैं आपने पूछा कि जो वेब के ऊपर काम हो रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब उसको देखते हुए क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या अब हमें जागना नहीं चाहिए? अगर आप ये नहीं करेंगे हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स बिल्कुल होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। आप ईरानी सिनेमा को देख लें, उन्होंने तो बिल्कुल ही वो लिया हुआ फिर भी वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आपके लिए, मैं रिलीजन को नहीं ला रही बीच में, मैं एक आपकी जो जनरल सेंस है, जो आपकी एक तहजीब है हमारा एक मुआशरे की रवैया है। अब उसको कोई कहे कि जी ये मुनाफ़कत है इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में बनी। हाँ तो वो चीज़ वो वाली पंजाबी फिल्म में माफ कीजिएगा जो थिएटर में हो रहा है, दो दो मन के मारे जो थिएटर में हो रहा है, हो रहा है शुरू से, शुरू से हो रहा डांस वाला। पिशावरी फिल्म में, पश्तो फिल्म में भी हुआ बेतहाशा। तो ये तो आप एक तरफ तो आप वो मूवमेंट देखें, वो बल्गर है बिल्कुल, बिल्कुल है। वो तो एक क्रास वो तो मगर वो भी है ना। हाँ। उसको भी आपकी ऑडियंस हाँ, मिलती है। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। आई डोंट किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए अच्छे और बुरे ड्रामे में,
कि जिसके एक तो वो ड्रामे लिखने वाले थे जैसे अशफाक साहब थे और हमारे वो देखिए उनका भी एजेंडा बेस्ड था बहुत सारा ड्रामा, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। ज़िया साहब के दौर में आए, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए हाँ, किया, लेकिन फिर भी हाँ, कहीं ना कहीं एक फलसफा था, एक फलसफा था, बिल्कुल था। और हमने बड़ा इन्जॉय किया, बानो कुत्सिया का लिखा हुआ प्ले मैंने खुद एक्ट किया, बड़ी उसमें ज़िंदगी के फलसफे थे। मेरा मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी की रिपल्शन को मज़ीद रिपल्सिव बना के ही दिखाया जाए और उसको कहा जाए कि भाई बदज़बानी से या सादा लफ्ज़ों में, मुझे गाली गलौच नहीं पसंद। नहीं देते हैं लोग, नहीं देते होंगे, मैं नहीं देना चाहती, मैं गंदे लतीफे भी नहीं पसंद करती, मेरी मर्जी है, मैंने नहीं सुने। नहीं, मगर दुनिया को जो करती है करती उसको क्या करें? तो वो करती रहे, मैं ये अपनी बात कर रही हूँ कि हाँ, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स से दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल अब नहीं है पॉलिटिक्स, अल्लाह मुझे कहने दे कि पॉलिटिक्स एक बहुत करप्ट बिजनेस है। नहीं यार, हमने नहीं, बहुत दो ढाई चार पाँच चले तो हम इसका मतलब एक खामोश तमाशाई हैं। तो और आपने क्या कर लिया? आपके यहाँ आपके मुल्क को आपकी मतलब हर चीज़ जो आपके अपने हिसाब से आपका खानदान है लूट रही है आपके साथ, आप कुछ भी नहीं तो आपने क्या कर लिया? आप मेरे से ज़्यादा वेल अवेयर हैं या आपने शायद पार्टिसिपेट भी किया होगा, आपने क्या किया? एक तो पहले ही मेरी एक बात ये मुझे कहने दें, हाँ, ये जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं इनको रहनुमा ना कहा करें, मुझे इस लफ्ज़ से बड़ी चिढ़ हो गई है। रहनुमा कौन होता है? रास्ता दिखाने वाला। क्या रास्ता दिखाता है हमें? कोई अंधेरे का, करप्शन का, एक दूसरे को गालियां देने का, जो सही है वो भी गलत है, वो गलत है वो सही है, और प्रैक्टिकली हमने क्या किया है असल में वो दिखा दे सिर्फ। क्या कह रही है आप बताएं? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैं बुशरा बशीर एक बहुत बड़े थिंकर की हैसियत से, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से समझती क्या है, क्या होना चाहिए? काश के ऐसा हो जाए कि हमारे पास ऐसा लॉ बन जाए जो कि इम्प्लीमेंट भी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, अगर वो गलत करे तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। अभी ये बड़ी कंट्रोवर्सी निकली सरमद की और खलीलुर्रहमान कमर की, जिसमें सरमद की, अच्छा मारवी की, मारवी सरमद की, और जिसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। आपके साइड पे है? नहीं, मैं साइड पे नहीं हूँ। नहीं है, मैं बेसिकली बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ हूँ, घटियापन के ख़िलाफ़ हूँ, बदज़बानी के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो मारवी करें तो चाहे वो करें। देखिए पता है क्या, वो पिछले कुछ सालों में जो न्यूज़ चैनल्स ने सेंसेशनल एक बिजली की गिराई है लोगों के ऊपर और झगड़े और फसाद और पॉलिटिशियंस, क्योंकि आपके जो न्यूज़ चैनल है वो 24 घंटे एक तलाश में है, वो सिर्फ हेडलाइन की, वो आपको तत्ते तवे पे रखना चाहते हैं, सिर्फ गर्म तवे पे आप लोग बैठे रहें और तड़पते रहें, आपको सुकून का सांस ना लेने दें, अगर थोड़ा सा कहीं है भी तो वो कहेंगे कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बुशरा हमने निगलेक्ट भी किया है इस बार, हमने तो कहा आपकी और मेरी जनरेशन ने तो बर्बाद किया है, औरतों को निगलेक्ट किया ना हमने, उनके इश्यूज को, हमने तो इंसानों को, एक्चुअली औरतें भी इंसान होती है ना, ये नहीं कोई समझता, औरतें भी इंसान होती हैं। छोटे वाले बच्चे जो इस वक्त मारे जा रहे हैं रेप में, वो क्या स्लीवलेस पहन के फिर रहे थे? क्या उन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे? क्या मॉडर्न कपड़े पहनने से नुकसान? मैं एक बात कर रही हूँ ना कि ये एक मेंटेलिटी है, अगर ये है भी तो अजीब घटिया मेंटेलिटी। आप किसी को कपड़े पहन के, जिस तरह का भी है इस दौर में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप कैसे किसी को एक अजीब होश पढ़े लिखी खातून को बता सकते हैं कि वो क्या पहने ना क्या पहने? मतलब ये एक अजीब चीज़ें, हमारा माइंडसेट जैसे जैसे घुटन का शिकार हुआ हो रहा है, किया जा रहा है मजीद से मजीद, उसके हो रहा है क्या? बहुत हो, रेजिस्टेंस भी है, लेकिन बुशरा इतने आसानी से नहीं होगा क्या? रेजिस्टेंस को तो डराया हुआ है, क्या धमका देते हैं, उठा लेते हैं, मार देते हैं लोग। जिस पाकिस्तान को मैं और आप जानते हैं, जिसको जिसकी वजह से मैं और आप पहचाने जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इज्जत मिली, उसके बारे में अब क्या सोच रही हैं कि किस तरफ जा रहा है ये जो तीनों पार्टियां कर रही हैं, ये चारों पार्टियां हो रही हैं? आप, मैं वो नहीं कहना चाहता किसी को ब्लेम करें, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? छोटी सी बात करती हूँ, देखिए बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि अपेरेंटली शायद मुझे समझ नहीं आ रही हैं अभी जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, पर ये बात अपनी जगह तय है। इमरान खान के साथ मैंने शौकत खानम में बहुत ट्रैवल किया हुआ है, मैं पर्सनली उनके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा हुआ है, मैं अभी भी फ़ोन करूँ मेरा फ़ोन एक मिनट में उठा लेंगे, मैं कभी नहीं करती, जब कोई पावर में होता है मैं दूर चली जाती हूँ कि वो अपना काम कर रहा है, मैं उसको, मुझे कोई काम ही नहीं है, ना मैंने नलका लगवाना है ना मेरा, कभी किसी से मेरा कोई काम ही नहीं था। क्यों नहीं काम? नो, मैं नहीं कराती काम किसी से, नहीं भाई, नहीं मैं फ़ोन करती तो मुझे फिर फ़ोन उठा लेते हैं लोग, मैं अभी भी बता रही हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई काम नहीं कहा। अच्छा, मैं मेरा इसलिए नहीं फ़ोन उठाता, मैं हर एक से काम कहता हूँ, मतलब फ़ायदा क्या लोगों का? मगर नहीं, मुझे नहीं, मेरा काम अल्लाह ने कर दिया, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, मगर इमरान खान ज़ाती तौर पर, ज़ाती तौर पर बेईमान आदमी नहीं है,
ना उसका कोई भांजा भतीजा, ना कोई बेटा, ना कोई फूफी, ना कोई चाचा, कोई गवर्नमेंट में नहीं है। ये दो बातें उसने कही थी, अस्पताल बना दिया था, एक उसने यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये दो दो चार चीज़ें मेरे में जो पता है। बाकी गवर्नमेंट के जो भी इस वक्त पोजीशन है उसमें उनके साथ जो लोग हैं, आजमाए हुए लोग भी हैं उनके साथ और नए लोग भी हैं, उनमें से जो आजमाए हुए लोग हैं उनसे मुझे उम्मीद नहीं होती है, सॉरी टू से। जो नए लोग हैं, चूँकि उनका मुझे अभी अच्छा बुरा तजुर्बा ही नहीं हुआ, लिहाजा मैं उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देती। मैं ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट ही समझ लें कि शायद ये अच्छा कुछ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि पहली दफ़ा आए और एक जज्बा लेके आए। मरियम नवाज के बारे में क्या ख्याल है? बड़ी प्यारी है, शक्ल कितनी प्यारी है, खूबसूरत है ऐसे। तो इसको खूबसूरती देखते रहे और जूते कितने प्यारे पहनते हैं। बातें कैसे करते हैं आप, उसकी तकरीर सुन के कैसा महसूस करते हैं? बस वो कम अज़ कम फिरदौस आशिक कमान से तो बेहतर ही है, तकरीर करती है तो जब वो बोलती है ना तो फिर दौसा शिकवान, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी हांडी पका के साइड पे रख के आई हैं, अभी अभी उठी है काफी। और बिलावल? हाँ प्यारे, माँ की तरह है, है? हाँ, माँ की तरह बोलता भी, माँ की तरह। हाँ बोलता भी वही है कि आ रहे हैं तो जा रहा है। इंडिया गई हैं आप? हाँ, कितनी दफा? तीन दफा गई थी। अभी मोदी आ गए हैं वहाँ, उन्होंने जो हर्षद कर दिया है, क्या ये इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रही है? अब एक ज़माने में तो काम करने से हमारे फनकार जा रहे थे वहाँ, वो यहाँ आ रहे थे, अब तो कुछ नहीं हो रहा, किस तरफ जा रहे हैं हम? कुछ भी नहीं पता अब हम कौन किस तरफ जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह कि चाहे वो अमेरिका हो, ट्रंप हो या मोदी हो, ये जब बायस्ड हो जाते हैं ना तो ये अपने ही लोगों का नुकसान ज़्यादा करते हैं। हम तो अपने घर बैठे हुए हैं, हमने कहाँ जाना है, हम अपने आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं अपने अपने मुल्कों में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, वो बहुत सिकनिंग है। अब उनके यहाँ कौन सा सुकून है? अगर हम तो जा नहीं रहे, हम तो 28 लोग थे या 22 लोग थे या 15 लोग थे जो जा रहे थे, काम करके आ रहे थे, ना तो किसी ने बम फोड़ा फवाद खान ने, ना तो कोई माहिरा ने गड़बड़ की, सब अपना काम करके इज्जत प्यार से आ गए। इनको रोक दिया तो उनके यहाँ कौन सा चैन सुकून आ गया, ये बात वो नहीं समझते, लेकिन ये उनकी पॉलिसी है, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे पोल्यूट करना है। नई टेक्नोलॉजीज आ गई लोगों को जवान रहने के लिए, 10 कॉस्मेटिक सर्जरी आपने करवाई हुई है? नहीं, मैंने तो करवाई थी, ये देखें क्या हुआ, क्या हुआ, तो पूरी दुनिया बेड़ा गर्क, इसीलिए कहते हैं पैसे लेके जाए। नहीं, जैसे छोटे मोटे टीके वीके होते हैं या वो एक पिगमेंट का एक ट्रीटमेंट होता है, वो मैं एक क्लिनिक पे जाती हूं। करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे तो सबके सामने मैं हूँ, मैं जिंदगी में कभी इतनी मोटी नहीं थी, मेरा मुंह इतना बड़ा कभी क्या, नहीं क्या था। आपने शुरू से ही मैं तो देखा आपने I've been always underweight, मैं सुकड़ी पतली थी और मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स थी कि मेरी तरफ को मुड़ के भी नहीं देखता था। ऐसा था, शादी के बावजूद आप दिखाना जाती थी अपने आप को? मर्द के बारे में बताएं, मर्द क्या, कैसी जात है मर्द को पता क्या? एक तो उसको हम प्लेस करते हैं एक बहुत ग्रेटर उसमें, जैसे हम अपने वालिद को बहुत आइडियलाइज करते हैं, एंड एक्चुअली तो पहला रोल मॉडल आपकी और मेरी जिंदगी का होता है आपका बाप होता है। ओके, आपके भी वालिद आपके लिए रोल मॉडल थे ना, तो हमारा रोल मॉडल बहुत अच्छा था उसमें। वो मर्द जो हमने देखा था वो एक ईमानदार आदमी था, वो सच बोलता था ना, वो नशा करता था। दोनों सेक्सेस में, यानी कि मर्द और औरत में, आप ज्यादा अकलमंद किसको समझती? चले ऐसे पूछ लेते। आई थिंक औरतें ज्यादा पेशेंट होती हैं, अकलमंदी की बात, अकलमंदी में मैं समझती हूँ, वो अकलमंदी की कोशिश करती हैं, उनमें सब्र बर्दाश्त ज्यादा होता है। शेर व शायरी से शगफ है आपको, गाने से आपको बहुत शगफ? हाँ, बहुत है। एल्बम आने वाला, जल्दी जल्दी बता दो। नहीं, एल्बम मैंने कभी नहीं निकाला, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी गायकी को इस काबिल नहीं समझा कि कोई मेरा एल्बम खरीद के सुने। अच्छा सा गाना सुनाते हुए चलिए, जो तुम्हें बहुत पसंद हो, जो तुम ऐसे वक्त पे कि जिस वक्त तुम्हारा दिल बाग बाग हुआ वो सुना दो, और वो सुना दो जब बाग बाग ना हुआ। अच्छा, आपके सामने पेश करते हैं बुशरा अंसारी। दिल है दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम, दूर है दूर तुमसे कौन सी आस बंधी थी, तुमसे रहे हम दूर ही दूर, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम, दूर है दूर दिल ही दिल में। वाह वाह, ये जो शायरी है, अपने अगर कभी जिंदगी में रिग्रेट्स हैं कुछ? नहीं,
कोई खास नहीं, कोई तो रहेगी कमियां तो देखे, मैं आपको तो कमियां देखने लगे ना तो साथ ही याद आता है कि अल्लाह ने क्या कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं फौरन डर जाती हूँ कि मैं अपनी कमियों को देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, शेर शायरी से शगफ है, है मगर पढ़ने कम, सुनने कम, तक गाने पढ़े सुनने। हाँ। कौन सा शायर सबसे अच्छा जो आपको बहुत ही कमाल लगता है, सुनाए जाए? बहुत सारे। एक सुनाओ फराज साहब। सुनाओ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। सिलसिले तोड़ गए। मैंने कोई सिलसिला नहीं तोड़ा खवातीन के साथ, मेरा सिलसिला बुचरा के साथ मुस्तकिल जारी है। बिल्कुल है, पूरी जिंदगी के लिए। टूट जाता कभी बीच बीच में, लेकिन फिर कोई नहीं टूटता, यहीं से रापता टूटता वहीं से। देखिए ये इतनी बिजी रहती है माशाल्लाह, इसके बच्चे अभी तो हमने जिक्र कहीं किया ही नहीं। एक पूरी किताब एक घंटे में क्या आपको पूरी करके दिखाए, मगर अपनी जात में कुछ लोग जो अंजुमन होते हैं उसकी एक कमाल मिसाल हमारी बुशरा है। बुशरा जब किसी की जिंदगी में आती है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब जब आई लगता है जिंदगी में कोई मसला नहीं है, और ये जो लोग हैं लगा इनको खुश रखे आबाद रखे, ये सिंबल है पाकिस्तान की खुशी का। इमरान खान ने ये जो टूरिज्म का किया है बुशरा, इसको टूरिज्म के लिए लोगों को बुलाओ ना तुम कैनेडा से। देखिए टूरिज्म के बारे में एक बात बताऊं, मेरा नेफ्यू अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, लास्ट ईयर सुम्बलापा का बेटा, उसने एक कंपनी बनाई थी एटीपी के नाम से, एडवेंचर ट्रेवल पाकिस्तान। इट्स नॉट दैट आई एम प्रोमोटिंग माय नेफ्यूज कंपनी, बट एक्चुअली मैं ये बताऊं, आप और हम जब कभी 20 साल 25 साल पहले ना मरी जाते थे या कहीं छांग लग ली तो ढूंढते थे ना कोई छोटा मोटा गंदा सा ढाबा, वहाँ से रोटी लेके खा ली, नहीं होते थे ना वहाँ पे ऐसे। उसने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि गोरे भी आते हैं वहाँ। अब उसका छोटा भाई अहमद नासिर उसको चला रहा है, कंपनी बहुत बड़ी बना ली थी उसने, उसमें इंपोर्टेड टेंट्स थे, उसमें वहाँ पे फ्लश सिस्टम थे, 5 कोर्सेज का मील आप टॉप ऑफ द हिल बर्फ में अगर आप बैठे हुए केटू की पहाड़ी पर, उसने ऐसी एक इंडस्ट्री बना ली थी। हमें सच्ची बात है नहीं पता था, जब वो चला गया दुनिया से तो ISPR वालों ने कहा ही वॉज अ लेजेंड। क्या देखना चाहती हैं पाकिस्तान को आगे की तरफ देखते हुए, क्या चीज़ें बदलनी चाहिए हमें जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा? पाकिस्तान को बदलने के लिए कुछ थोड़े से लोगों की सिर्फ करेज काफ़ी नहीं है, हम सबको अपने अपने तौर पे बदलना होगा। हमें कचरा तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए कम से कम, हमें अपने काम पे ईमानदारी से काम रोड्स ठीक कर लेने चाहिए, हमें जो काम हम तो कर सकते हैं वो तो करें। तो हम कर दो। हाँ, मतलब ये तो गवर्नमेंट ने करना है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टिश्यू फेंक देंगे हम, मतलब बेसिक लेवल हम ट्रैफिक ही नहीं अपना सही करते, हम लोगों के ऊपर से गुजर जाते हैं, हम लोगों से लड़ते हैं, हम बदतमीज़ी करते हैं, हम अपने फैमिलीज को हर्ट करते हैं। अरे पहले अपने आप को ठीक कर लें। ये बात जी खवातीन हज़रात, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि हम बजाय इसके कि दूसरों को गालियाँ गलोच उनको तनकीद का मुस्तकिल निशाना बनाएं, अपने ऊपर जहर दें। एक छोटा सा आपके लिए एक छोटी सी विंडो थी बुशरा अंसारी के जहन के कुछ झरोखों में हमने झांका, ये काफ़ी नहीं है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है बुशरा अंसारी, एक अहद, ये मेरे दोस्त हैं ऐसे इसलिए बातें, कोई बात नहीं इनको कहने दें, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये अपने बारे में हमेशा बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक बड़ी ऐसी सोच रखते हैं जिसमें वो हमेशा आम रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि बुशरा एक ख़ास और ख़ास दोस्त है मेरी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरी बड़ी ख्वाहिश पूरी उनसे बात करने की। मैं तो उनसे करता रहता हूँ बातें, आप ज़िंदगी देखते रहिए, अगले वक्त तक के लिए इजाज़त। Hi.